जो अरवल पुलिस अपराधी को थाने से छोड़ देती है, क्या वो पुलिस मोबाइल लूट पाएगी? लेकिन ऐसा नहीं था। तो कितना मोबाइल हो गया? 150 तो जनवरी से पहले दे चुके, जनवरी से लेके पिछले माह तक दे चुके थे, और यही 17 मोबाइल आज के दिन में दे रहे हैं। इस तरह डेढ़ आप विकलांग हैं? विकलांग एसपी सर खुद आपके पास आके जो है मोबाइल दिए हैं? मोबाइल में एसपी साहब मेरे खुद दिए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और मेरे साथ हैं बबलू सिन्हा जी और कैमरे के पीछे हैं अरविंद जी। आपको बता दें कि अरवल पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जनवरी से लेकर अब तक 167 मोबाइल को बरामद किया है। आखिर कैसे अरवल पुलिस 167 मोबाइल फोन जो खोया हुआ था उसे बरामद कर लिया और वैसे लोगों को सौंप दिया जो पहले इसके मालिक थे? ये हम बबलू सिन्हा से जानने का प्रयास करें कि आखिर कैसे अरवल पुलिस है 167 मोबाइल अभी तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद किया है, आखिर कैसे बरामद मोबाइल कर रही है? अरवल पुलिस बड़े संजीदे तरीके से काम कर रही है। जो नए एसपी साहब हैं, एसपी मोहम्मद काशिम, एसडीपीओ राजीव रंजन, बड़े संजीदे से काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो ऑपरेशन मुस्कान के जरिए लौटा है। देखिए, पहले भी अरवल पुलिस काम कर रही थी, अभी भी अरवल पुलिस काम कर रही थी। पहले की अपेक्षा अब लोगों में यह धारणा है कि चलो मोबाइल खो गया, सामना दर्ज कराओ, मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है और जन सेवा के माध्यम से मतलब काम करके लोगों को मोबाइल दिया जा रहा है। आज से 8 महीना पहले 10 महीना पहले अरवल पुलिस का जो लिखे थे साख पर बट्टा लगा था, जो छीछा लेदर हुआ था, छवि खराब हुई थी, जो सदर थाने से एक आरोपी को और कुख्यात अपराधी था उसको छोड़ने के मामले में, तो उस समय यहाँ पर किरकिरी हुई थी अरवल पुलिस को, बहुत किरकिरी हुई थी और मतलब पुलिस से भरोसा हो गया था लोगों को कि पुलिस अपराधी को भी थाने से छोड़ देती है। जो भी मामला, बहुत को कयास लगाए कि अखबारों में पढ़ा कि बहुत कीमती सामान उसके पास था, उसके वजह से छोड़ दिया गया या बहुत कुछ हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं क्या हुआ उसमें, हमें उसके बारे में विश्वास नहीं। लेकिन जो अब का काम है, जो पुलिस की किरकिरी और अब की छवि, जमीन आसमान का फर्क है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है या कहीं अपराध हुआ है तो बच्चा को पता है कि 12 घंटे के अंदर अपराधी अंदर, और मोबाइल खोया है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से जो पुलिस काम कर रही है उसकी जो छवि है वो पब्लिक में पहुंची है, और अच्छे कामों की छवि लोगों में पहुंचती है, बुरे कामों की पहुंचती है, लेकिन अच्छे कामों की चर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ कि पुलिस अधीक्षक मोहम्मद काशिम जनवरी में अरवल जिले में आए, एसडीपीओ साहब राजीव रंजन आए, तो इन्होंने ऑपरेशन मुस्कान चलाया और ऑपरेशन मुस्कान के जरिए जो इनका टीम वर्क हुआ, टीम का गठन किया, डीआईओ टीम को मजबूत किया, सिंटू को उनके प्रभारी बना दिए, डीआईओ प्रभारी, उनके साथ कलीम रितेश, ये लोग आपस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो पुलिस काम पे फोकस की और जैसे ही काम करना शुरू किया तो जो मोबाइल पहले सामना दर्ज कराया था वो मोबाइल मिला, तो मीडिया के माध्यम से लोगों में मैसेज गया कि अब अरवल पुलिस आपकी मोबाइल जो खो जाती है उसे ढूंढ कर देगी। इसके बाद जो 2 साल पहले 1 साल पहले 6 महीना पहले 8 महीना पहले जो मोबाइल खो गया था वो भी सामना दर्ज कराने लगे अपने स्थानीय थाना में। यहाँ तक कि अरवल विधायक महानंद सिंह भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनके भतीजे को वह मोबाइल अरवल पुलिस ढूंढ के दिया। हाँ, विधायक जी के भतीजे का मोबाइल 2 वर्ष पहले खो गया। लोग पहले यही सोचते थे कि मोबाइल खो गया, जो अरवल पुलिस अपराधी को थाने से छोड़ देती है क्या वो पुलिस मोबाइल ढूंढ पाएगी? लेकिन ऐसा नहीं था। विधायक जी को भी इस बात का पता चला कि नए एसपी साहब आए हैं तो ये काम कर रहे हैं, सबका मोबाइल मिल रहा है, तो हमारे भतीजे का भी मोबाइल मिलेगा, तो उन्होंने भी सामना दर्ज कराया, उनका भी मोबाइल मिला। तो देखिए, पुलिस वही है, जिले में जितने भी थाने हैं उनके थानेदार वही हैं, इंस्पेक्टर वही हैं, सेंटू भी वही हैं, कलीम भी वही, रितेश, सब लोग वही हैं। काम करने का तरीका बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया और काम जो कराते हैं, जैसे टीम बना करके, टीम लीडर जो होता है, अगर टीम लीडर मजबूत हो और अच्छी रणनीति से काम करे तो सब लोग काम करते हैं। तो पुलिस अधीक्षक जो मोहम्मद कासिम एक अच्छे टीम लीडर है, मजबूत टीम लीडर है, वो लगातार टीम को लेकर चलते हैं और बड़े संजीदगी से काम करवा रहे हैं, सब लोग वही हैं, लेकिन काम भी हो रहा है। अपराधी को देखिए कि 12 घंटे के अंदर पकड़ कर अंदर कर रहे हैं, मोबाइल खो गई है, मोबाइल मिल रहा है,
अगर आप कभी रास्ते में हैं किसी तरह का समस्या हो एसपी साहब को सूचना दिए, खुद एसपी साहब पहुंच जाते हैं, डीएसपी साहब पहुंच जाते हैं, थाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि कहीं सूचना मिलती है खुद पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं, थानेदार को दौड़ा देते हैं, जाइए आप काम कीजिए। और इसके लिए वो पुरस्कृत भी कर रहे हैं, देखिए जिला स्थापना दिवस के मौके पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया, तो प्रशस्ति पत्र के लिए अच्छे कप्तान होने के नाते उनका मनोबल बढ़ाया, बढ़ चढ़ कर लोग काम करेंगे और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम होगा। और अच्छा परिणाम का नतीजा है कि आज भी 17 लोगों का मोबाइल मिला, लोग बहुत खुश थे। और एक चीज़ और पुलिस अधीक्षक ने, आप पिछले दिनों देखे होंगे जब भी कोई ऐसा मामला था, कोई दिव्यांग हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो उनके कार्यालय तक नहीं पहुंच सकता है, ये खुद चले जाते हैं उनके पास, मतलब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी पुलिस के लिए कि मोबाइल जो है ढूंढ कर एक विकलांग आए उनको एसपी के द्वारा खुद अपने चैंबर से नीचे उतरकर उन्हें मोबाइल जो है वापस दिया गया। यही तो बता रहे हैं कि मतलब मानवता का इतना बड़ा पक्ष है। अगर मेरे दिमाग में बात आती है कि अरवल का जो इतिहास लिखा जा रहा है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे पुलिस कप्तान आए थे जो लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझकर दौड़ पड़ते हैं, मतलब आप किसी तकलीफ में हैं उनको सूचना मिले आपको एकदम आपके पास पहुंच जाएंगे, उनके पहुंचने से वो अपने थानेदार को सूचित करेंगे कि इस तरह का बात है। अगर थाना तक नहीं सूचना गई लेकिन पुलिस एक्टिव है, 112 अभी काम कर रही है, देखेगी धीरे धीरे नंबर वन है। अब पुलिस अधीक्षक और SDPO का काम का नतीजा है कि अरवल जिला पूरे बिहार में नंबर वन है सारा क्रांति में। शराब बंदी लागू करने में अरवल जिला में पूरे बिहार राज्य में पहला स्थान, इसका नतीजा है कि अरवल पुलिस की छवि पुलिस पब्लिक के बीच रिश्ते को बहुत बेहतर बनाया है। और बच्चा बच्चा के जुबान पर है कि अरवल के एसपी कौन है, पहले वाले का नाम का पता हो ना हो लेकिन आप किसी बच्चा से पूछ लीजिए अरवल का एसपी कौन है, जैसे लोग भारत का प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है, वैसे ही आप गांव में पूछिए कि अरवल का एसपी डीएसपी कौन है, आराम से बता देंगे। पहले लोग जो अखबार टीवी और समाचार पढ़ते थे वही लोग जानते थे, लेकिन आज जो इनकी छवि बनी और जो इनका काम करने का तरीका है इसका नतीजा तो तेज प्रताप यादव के द्वारा डीएसपी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है स्थापना दिवस के अवसर पर, काम का नतीजा है। आपको प्रभारी मंत्री आ करके और मंत्री आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि कोई ऐसे ही नहीं मिलता, और आप धूप में सिर का बाल पका लीजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चल जाइएगा, लेकिन काम कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप परिश्रम कीजिएगा तभी ना आपको फल मिलेगा। तो यहाँ काम हो रहा है, काम का परिणाम है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हम तो चाहेंगे कि आप किसी का भी मोबाइल खो जाता है, पहले भी खो गया है, आप जाइए सन्हा दर्ज कराइए, पुलिस आपकी मोबाइल ढूंढ के देगी, ये पुलिस की जिम्मेवारी है, सच्चे लोग सेवक हैं ये लोग और अच्छा काम कर रहे हैं। आपका कहीं भी मोबाइल खोया है आप सन्हा दर्ज कराइए, आपकी मोबाइल दी जाएगी, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है पुलिस का, बहुत सराहनीय पहल है। अरवल पुलिस का कहना है कि चाहे वो पब्लिक हो या जनप्रतिनिधि, किसी का भी मोबाइल अगर खोता है तो अपने अपने थाना क्षेत्र जहां मोबाइल खो जाते हैं वहां पर सन्हा दर्ज कराएं और मोबाइल जो है पुलिस ढूंढ कर उन्हें वापस करने का काम करेगी, चाहे जितना भी समय लगे पुलिस लगातार अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से मोबाइल को ढूंढने का काम करेगी और उन्हें वापस करने का काम करेगी। इसी मामले में एक दिव्यांग का मोबाइल खो गया था जहां एसपी ने अपने चैंबर छोड़कर तीसरे तल्ले से उस दिव्यांग को मोबाइल सौंपने के लिए नीचे उतरे, जहां लोगों ने खूब तालियां बजाई और लोगों का कहना था कि एसपी हो तो जिले में ऐसा जो एक दिव्यांग के लिए अपने चैंबर छोड़कर उनको मोबाइल देने नीचे आ गए। सुनिए उस दिव्यांग के द्वारा क्या कुछ बताया गया और जिन्हें मोबाइल मिला वो उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया और एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया। मेरे साथ सर जी मोबाइल मैं घर में सोते हुए थे और उसके बाद मेरा मोबाइल खो गया। कब का घटना है? 8 जुलाई 2023। अच्छा, कितना दिन में मिल गया आपका मोबाइल? मेरा मोबाइल सर जी 9/8/2023 को हमने सन्हा दर्ज किए और मेरा 17 तारीख को मोबाइल 8 मिल गया। कौन ढूंढ के दिया मोबाइल आपको? एसपी साहब के जब यहाँ सर थाना में दर्ज किए और उसके बाद यहाँ जिला से मेरा मोबाइल लोकेशन के अनुसार मिला। क्या कहना चाहेंगे अरवल पुलिस को? धन्यवाद देना चाहते हैं। आप विकलांग हैं? विकलांग। एसपी सर खुद आपके पास आके जो है मोबाइल दिए हैं? मोबाइल में एसपी साहब मेरे खुद आकर दिए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। मेरा मोबाइल खो गया था
रास्ता में बच्चा लोग गिरा दिया था प्रासी मार्केट में, तो मेरा मोबाइल आज एसपी सर के अच्छी से मिल गया, एसपी सर के दुआ से मुझे थाना प्रभारी मिल गया। अरवल पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा ही होते रहे, एसपी साहब को और मैं अपना थाना प्रभारी को धन्यवाद देता हूँ। कितना दिन में मोबाइल मिल गया आपको? 7 महीना 8 महीना हो गया, दिसंबर में बुलाया था, मिल गया। अरवल जिला में जनवरी में मैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि भाई मोबाइल खो गया है, मिल नहीं रहा है। हम लोगों ने अपने DIO को एक्टिवेट किया, इसमें सिंटू कुमार कलीम और रितेश सिंह सब लगे इसके लिए, और जनवरी से अभी तक 150 पूर्व में दे चुके हैं मोबाइल लोगों को, और आज भी 17 मोबाइल लोगों को दे रहे हैं। और ये मोबाइल खोया हुआ है, किसी का 20,000 का, किसी का 40,000 का है, किसी का 15,000 का मोबाइल है। इस तरह 17 मोबाइल का मतलब है कि कहीं 4-5 लाख रुपए के मोबाइल है जो लोगों को दे रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई थी और हम लोग इसमें बारी बारी से लोगों को मोबाइल खोया हुआ बरामद करा के दे रहे हैं। इस तरह से अरवल पुलिस का ये लगातार प्रयास जारी है और जारी रहेगा। अब तक कितना मोबाइल हो गया? 150 तो जनवरी से पहले दे चुके, जनवरी से लेके पिछले माह तक दे चुके थे, और अभी 17 मोबाइल आज के दिन में दे रहे हैं। इस तरह 150 प्लस 17 ही जुट जाएगा 167। जी, फिर लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद।